हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी क्लास फोर हिंदी चैप्टर 14 मुफ्त ही मुफ्त स्टोरी एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग्स इन इंग्लिश। सो दिस इज अ गुजराती टेक्स्ट स्टोरी। मुफ्त ही मुफ्त मीनिंग अस फ्री फ्री। एक दिन बीकू बॉय का मन नारियल खाने का हुआ। सो वन डे बीकू बॉय फेल्ट लाइक ईटिंग अ कोकोनट, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। सो फ्रेश सॉफ्ट ग्रेटेड एंड विथ शुगर। उसके बारे में सोचते ही बीकू बॉय ने अपने होठों को चटकारा। वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। सो बाय थिंकिंग ऑफ दैट बीकू बॉय स्टार्टेड माउथ वाटरिंग। सो ही इज थिंकिंग दैट इट विल बी सो स्वीट। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, मीनिंग बट देर वॉज अ स्मॉल प्रॉब्लम। घर में तो एक भी नारियल नहीं था, बट देर इज नो कोकोनट एट होम। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। सो इज टेलिंग ओहो, सो आई वुड हैव टू गो टू मार्केट। उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा। सो ही सेइंग टू हिज वाइफ लाबूबेन। लाबूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली। सो कंधे उचकाकर मीनिंग इज, सो हिज वाइफ रेज्ड हर शोल्डर एंड सेड, खाना है तो जाना है। सो इफ यू वांट टू ईट देन यू हैव टू गो। एक समस्या और थी, बट देर वॉज वन मोर प्रॉब्लम। बीकू बॉय ने कहा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सो ही सेइंग आई वुड हैव टू स्पेंड मनी फॉर दैट। लाबूबेन बोली। सो हिज वाइफ इज सेइंग हाँ पैसा तो खर्च करने पड़ेंगे। सो ही सेइंग यू हैव टू स्पेंड मनी इफ यू वॉन्ट टू बाई कोकोनट। सो अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि बीकू बॉय जरा कंजूस थे। सो फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन यू वुड हैव कम टू नो दैट बीकू बॉय इज माइसर। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचते लगे क्या करूं मैं, क्या करूं। सो व्हाट ही इज डूइंग इज ही वेंट स्ट्रेट टू फील्ड एंड सैट अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री एंड स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट शुड आई डू, वॉट शुड आई डू, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मीनिंग इज वॉट शुड आई डू, वॉट शुड आई डू। सो नेक्स्ट, मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा लल चाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबूबेन से बोले। सो ही वॉज टेम्प्टेड टू ईट कोकोनट एंड ही अगेन रिटर्न बैक होम and said to his wife, "Achha, main bazaar tak ho aata hun." So he's saying, "I will go to market." Pata to chale ki nariyal aajkal kitne mein bik rahe the. So he's asking, "So nowadays, how much they sell this coconut?" So he's asking his wife about the price. जूते पहनकर मीनिंग इज वेयरिंग शूज, छड़ी उठाकर मीनिंग इज छड़ी मीनिंग इज स्टिक। सो टेकिंग अ स्टिक बीकू बॉय निकल पड़े। सो ही लेफ्ट द होम। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। सो एट मार्केट ऑल ऑफ देम वेर बिजी विद देयर ओन वर्क। बीकू बॉय ने इधर कुछ देखा। बीकू बॉय वॉज सीइंग समथिंग हियर, उधर उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। सो हियर एंड देयर ही इज लुकिंग एंड ही इज आस्किंग द रेट। देखते पूछते वे नारियल वालों के पास पहुंच गए। सो आफ्टर ही रोमिंग हियर एंड देयर ही वेंट नियर द कोकोनट सेलर। नारियल वाले मीनिंग इज कोकोनट सेलर। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दागे। सो इज आस्किंग द कोकोनट सेलर
ए कोकोनट सेलर, हाउ मच विल यू सेल द कोकोनट? बी क्यू बॉय इज आस्किंग द कोकोनट सेलर. नारियल वाले के ने कहा, द कोकोनट सेलर सेज, बस 2 रुपयों में काका. सो ही सेइंग 2 रुपीज. बस 2 रुपए, बीकू बॉय ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपया में दे दो. सो 2 रुपीज, ही अवॉइडेड हिज आईज एंड सेड, इट इज टू कॉस्टली, गिव इट फॉर 1 रुपी. नारियल वाले ने कहा, सो कोकोनट सेलर सेड, ना जी ना, नो सर नो, 2 रुपये सही दम, ले लो या छोड़ दो. सो ही सेइंग 2 रुपीस, बाय और लीव द प्लेस. ले लो मीनिंग इज बाय, छोड़ दो मीनिंग इज लीव द प्लेस. ठीक है ठीक है. सो ही सेइंग ओके ओके. बीकू बाय बड़ बड़ाया, मीनिंग इज ही इज ग्रम्पलिंग. अच्छा दो बताओ, तो बताओ 1 रुपया में कहाँ मिलेगा. सो ही इज आस्किंग, Where can I get the same coconut for 1 rupee? नारियल वाला ने कहा, so coconut seller said, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए. So he's saying, from here short distance from here there is a market, you might get there, he's saying. So बीकू बाय उसी तरफ चल पड़े. So then बीकू बाय started going towards the place. Chalo dekh leta hoon. So he's saying to himself, let me go. Ve apne aap se bolo. So he himself told that, let me go. Tahalne ka ek mauka hai aur rupayo bar ki bachat bhi ho jayengi. So he's telling, it is a chance for me to walk and it is also making me to save the money. Bachat meaning is saving money. Mauka is chance. Kushi se gurgurate Bikku Bhai ne chadi ko jamin par tap tapaya. Meaning is so he is making sound with the stick. So I'm moving towards it. So mandi mein kolahal faila hua tha. So that market is with so much noise. Pyariyon ki unchi unchi aawaje gooj rahi thi. So merchants are shouting so that the there is much noise, sound, more sound. Batata aloo, kanda fyaas, kanda fyaas, gazar, 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 gobi, band gobi, gobi, band gobi. So everyone is selling things. They are selling like potato. They are shouting potato. Pyaz is onion. Gazar is carrot. Gobi band gobi is cabbage. Mate ka pasina pochkar Bikku Bhai ne idhar udhar taka. So Bikku Bhai, what he is doing? Wiping his sweated forehead, looking here and there. Mate is forehead. Pasina pochkar is, so he is wiping his sweat. Nariyal wale ko dekhkar pucha, so he is seeing the coconut seller and asking him, are bhai, ek nariyal kitne mein doge? So he is saying, oh brother, how much is 1 coconut? Sirf 1 rupaya kaka. So he is saying, only 1 rupee. Nariyal wale ne jawab diya, जो चाहो ले जाओ जल्दी. सो इज आस्किंग हिम टू पिक वन, एनी वन, पिक वॉट यू वॉन्ट. सो इज आस्किंग, शू छे बायू भाई? बीकू भाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो. सो इज सेइंग, व्हाट इज दिस, आई हैव कम सो फार एंड यू आर आस्किंग फुल 1 रुपी. सो पूरा 1 रुपया मीनिंग इज फुल 1 रुपी. 50 पैसे काफी है. सो इज सेइंग 50 पैसे इज एनफ, काफी मीनिंग इज एनफ. मैं इस नारियल को लेता हूँ और
तुम यख लो, पकड़ो 50 पैसे. सो ही सेइंग आई विल टेक दिस कोकोनट, यू टेक दिस 50 रुपीज, कम ऑन 50 पैसे. सेइंग नारियल वाले ने जड बीकूबाई के साथ से नारियल को छीन लिया और बोला. सो व्हाट कोकोनट सेलर इज डूइंग इज, कोकोनट सेलर ग्रैब्ड द कोकोनट फ्रॉम बीकूबाई. सो ही सेइंग माफ करो, मीनिंग इज फॉरगिव मी. काका 1 रुपया या फिर कुछ नहीं. सो ही सेइंग 1 रुपी और नथिंग एल्स, 1 रुपया और नथिंग एल्स. लेकिन बीकूबाई का निराशा चेहरा देकर बोला. सो इज सीइंग द सैड फेस ऑफ बीकूबाई, ही सेइंग बंदरगाह पर चले जाओ. सो ही सेइंग गो टू हार्बर, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे हमें मिल जाए. सो ही सेइंग इफ यू गो टू हार्बर यू माई गेट इट फॉर 50 पैसे. बीकूबाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे दो पूरे 50 पैसा है, वैसे भी मेरी टांगों में भी मैं अभी भी दम है. सो ही सेइंग बीकूबाई स्टार्टेड थिंकिंग विद अ स्टिक, आफ्टर ऑल 50 पैसे इज फुल 50 पैसे. माई फीट इज पावरफुल, सो माई फूट माई लेग्स आर पावरफुल. सो ही इज थिंकिंग, पैरों को घसीटते हुए, सो ही इज ड्रैगिंग हिज फीट, बीकूबाई चलने लगे. सो ही इज ड्रैगिंग हिज फीट एंड स्टार्टेड वॉकिंग. हर 2 कदम पर रुक कर जेब में से बड़ा सफेद रूमाल निकाल कर वे अपने पसीना पोंछते. सो व्हाट ही इज डूइंग इज, सो ही इज ऑलरेडी टायर्ड, ऑलरेडी ही वॉज स्वेटिंग. सो ही इज स्टार्टेड वॉकिंग. सो आफ्टर स्टॉपिंग एवरी 2 मिनट्स ही स्टॉप्स इन द प्लेस. ही टेक्स अ बिग वाइट कर्चीफ फ्रॉम इट्स पॉकेट एंड ही इज वाइपिंग हिज स्वेट. सफेद रूमाल मीनिंग इज वाइट कर्चीफ. सागर के किनारे एक नाव वाला बैठ आता. सो नियर दैट ही सेज दैट ही वेंट नियर द हार्बर. सो किनारे इज बैंक ऑफ द ओशन और रिवर. दिस बोटमैन वॉज सिटिंग, अ बोटमैन वॉज सिटिंग. उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे. सो देर ही हैड सम 2-4 कोकोनट्स. अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे. सो ही इज सेइंग ब्रदर हाउ मच यू टेक फॉर 1 कोकोनट. बीकूबाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे देखते हैं. सो ही इज सेइंग सो नेक्स्ट ही इज आस्किंग द बोटमैन, काका यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे. सो व्हाट इज देयर टू आस्क इन दिस, जस्ट 50 पैसे. नाव वाले ने कहा. सो बोटमैन सेस 50 पैसे, 50 पैसे. बीकूबाई मानो हैरानी से हके बके हो गए. सो 50 पैसे, बीकूबाई वॉज सरप्राइज्ड. इतनी दूर से पैदल आया हूँ. सो आई हैव कम सो फार बाई वॉकिंग, इतना तक गया हूँ. सो आई हैव बिकम सो टायर्ड. और तुम कहते हैं तो 50 पैसे. सो यू आर टेलिंग टू गिव मी 50 पैसे. मेरी मेहनत बेकार हो गई. सो ही इज सेइंग ऑल माई एफर्ट्स आर गेटिंग वेस्टेड. 50 पैसे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा. सो इज टेलिंग सो 50 पैसे इज टू मच, आई गिव यू 25 पैसे. यख लो रख लो, ऐसा कहते हुए बीकूबाई चुकर नारियल उठाने ही वाले थे. सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज आस्किंग टू गिव फॉर 25 पैसे. सो टेलिंग दिस बीकूबाई गॉट डाउन एंड पिक्ड 1 कोकोनट. नाव वाले ने कहा. सो बोटमैन सेड नीचे रख दो, कीप इट डाउन.
मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा. सो मीनिंग इज बार्गेन, डोंट बार्गेन विद मी. थोड़ी देर बाद उसने बीकू बाई की और ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला. सो आफ्टर लुकिंग एट बीकू बाई मोर केयरफुली, सो ही स्पीकिंग कूल, सो ही स्पीकिंग सॉफ्टली, सस्ते में चाहिए, सो यू नीड चीप कोकोनट, नारियल के बगीचे में चले जाओ, सो यू कैन गो टू द कोकोनट गार्डन, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में, सो यू विल गेट एवरीथिंग देयर. सो ही सेइंग टू गो टू द कोकोनट गार्डन. भीकू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है. सो आई हैव कम सो फार, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन गोइंग टू गार्डन इट्सेल्फ. सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे. सो ही वॉज वेरी, द रियल थिंग, द ट्रूथ इज दैट ही इज वेरी टायर्ड. महर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फूर्ती आ गई. सो बट ही वॉन्ट टू सेव 25 पर्स, सो ही गॉट एनर्जी टू वॉक. बीकू भाई ने सोचा, बीकू भाई वॉज थिंकिंग, दो गुना ज्यादा चलना पड़ेगा, सो यू हैव टू वॉक ट्वाइस एज मच एज द डिस्टेंस ही वॉक्ड. पर चार आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है. सो ही सेइंग ही थॉट दैट ही कैन सेव 4 पेनीज, सो वी कैन नॉट गेट एनीथिंग फॉर फ्री, सो ही थॉट ही कैन गो टू कोकोनट गार्डन. बीकू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए. सो ही रीच्ड कोकोनट गार्डन. वहां के माली को देखकर उसे पूछा, सो ही इज आस्किंग द गार्डन गार्डनर, यह नारियल नारियल कितने में बेचोगे. सो इज आस्किंग हाउ मच यू विल गिव दिस कोकोनट. माली ने जवाब दिया. सो गार्डनर सेड, जो पसंद आए तो जाओ काका, बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े बड़े. सो इज सेइंग यू कैन टेक फॉर 25 पैस, सी हाउ बिग बिग यू हैव दिस कोकोनट. हे भगवान, 25 पैसे? पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर तक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे. सो ही सेइंग, ओ गॉड, 25 पैस इवन आफ्टर वॉकिंग ऑल द वे टिल हियर, माई शूज टॉर्न एंड माई शूज आर टायर्ड, माई फीट आर टायर्ड, एंड आई हैव टू पे मनी टू. मेरी बात मानो, सो लिसन टू मी, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो. हाँ देखो मैं कितना तक गया हूँ. सो इज सेइंग, लुक हाउ टायर्ड आई एम, गिव मी कोकोनट फॉर फ्री. बीकूबाई की बात सुनकर माली ने कहा, सो आफ्टर हियरिंग बीकूबाई, गार्डनर सेड, अरे काका मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल. सो ही सेइंग, हियर इज द ट्री एंड देर इज अ कोकोनट, देर इज द कोकोनट, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तो डालो. सो यू कैन क्लाइम द ट्री एंड यू कैन टेक हाउ मच यू वॉन्ट. वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, तो देर इज नो शॉर्टेज ऑफ कोकोनट देर. पैसा तो मेरी मेहनत के हैं, सो द मनी इज फॉर माई हार्डवर्क. सच, जितना चाहूँ ले लूँ. सो ही सेइंग, ट्रू, आई विल टेक एज मच आई वॉन्ट. बीकू बॉय तो खुशी से फूलों न समाया समाए. सो वॉट इज सेइंग, ही वॉज वेरी हैप्पी विथ वॉट ही इज गोइंग टू गेट. मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया. सो इज सेइंग,
I did not go to waste coming here. So my hard work is not getting wasted. So he's thinking that he is going to get the coconut for free. उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया. So he started climbing on the tree. पेड़ पर चढ़ने चढ़ने भीखूभाई ने सोचा बहुत अच्छे मेरी तो किस्मत खुल गई. सो इज थिंकिंग वेरी गुड गुड लक हैज कम टू मी. जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं. क्या बात है. सो इज सेइंग हाउ मच कोकोनट आई वांट आई विल टेक नो नीड टू गिव मनी. वाओ. सो इज थिंकिंग दिस व्हाइल ही इज क्लाइंबिंग द ट्री. भीखूभाई ऊपर पहुंच गए. सो भीखूभाई रीच्ड द टॉप. फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए. सो व्हाट ही इज डूइंग ही इज सिटिंग ही सैट कंफर्टेबली बिटवीन ट्विग एंड स्टेम. सो बोथ हैंड्स स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड टू ग्रैब द बिगेस्ट कोकोनट. जग पाई फिसल गए. सो लेग्स गॉट स्लिप्ड. फिसल इज स्लिपिंग. भीखूभाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया. सो भीखूभाई क्विकली कैच द कोकोनट. उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए. सो बोथ हिज लेग्स वेर स्विंगिंग इन द एयर. झूलते स्विंगिंग. ओ माँ अब मैं क्या करूं. सो ही इज टेलिंग ओ गॉड व्हाट विल आई डू नाउ. भीखूभाई चिल्लाने लगे. सो भीखूभाई स्टार्टेड शाउटिंग अरे भाई मदद करो. ओ ब्रदर हेल्प मी. उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की. सो ही व्हाट ही इज सेइंग ही इज आस्किंग द गार्डनर टू हेल्प. माली ने कहा. सो गार्डनर सेड वो मेरा काम नहीं काका. मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी. सो व्हाट इज सेइंग दिस इज नॉट माय जॉब काका. आई जस्ट टॉक अबाउट टेकिंग कोकोनट. बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है. सो इज सेइंग दिस इज नॉट माय जॉब. आई जस्ट टॉक अबाउट टेकिंग कोकोनट. द रेस्ट इज अ मैटर बिटवीन you and your coconut. paise nahi no money. kharidna nahi no buying. bechna nahi no selling. aur madad nahi. so there is no help. sab kuch muft. everything is free. tabhi oont par sawar ek aadmi wahan se guzra. so a man riding a camel passed by. अरे ओ भीखूभाई जोर जोर से बुलाने लगे. सो ही इज सेइंग ही इज कॉलिंग द कैमल मैन टू हेल्प. सो भीखूभाई स्टार्टेड स्पीकिंग लाउडली. ओ मैन ओ ऊंट वाले. सो इज कॉलिंग कैमल मैन. मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दोना. बड़ी मेहरबानी होगी. सो इज सेइंग कैमल मैन हेल्प मी to keep my feet back on the tree. it will be very kind. ऊंट वाले ने सोचा. camel man thinks चलो मदद कर देता हूँ. so he's saying I'll help you. मेरा क्या जाता है. so what is going to happen. what happens to me. ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखूभाई के पैरों को पकड़ लिया. so what he is doing is standing on the camel's back. so ऊंट के पीठ is standing on camel's back. he grabbed भीखूभाई's leg. ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए. so that time camel saw green leaves nearby. पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जहब से हट गया. सो फॉर ईटिंग लीव्स कैमल बाउड नेक.
इन ग्रीड एंड मूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस. बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया. सो व्हाट हैपेंड, द कैमल मैन स्लिप्ड. अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया. टू सेव हिमसेल्फ व्हाट डिड ही डू, सो ही ग्रैब्ड भीखू भाई फीट टाइटली. अब दोनों क्या करते हैं, व्हाट टू डू नाउ. इतने में एक घुड़सवार आया. सो आफ्टर दिस हैपनिंग हॉर्समैन केम. अरे सामले चो, पेड़ से लटके दोने पुकारने लगे. सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ. घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, अरे मेरे भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो. सो दे आर आस्किंग हेल्प फ्रॉम कैमल मैन. सो दे आर आस्किंग हेल्प फ्रॉम सॉरी हॉर्स मैन. So seeing the horseman, भीखू भाई requested him to help. हम एक मिनट भी नहीं लगेगा. So he's saying, so it will not take even one minute. मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ. यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ. So what he's saying, it will not take not even a one minute. So I'll help them by climbing on the back of the horse, thinking that the horseman stood up on the horse. Gode meaning is horse. लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है. So but who says horse is better than camel? बेहतर meaning is better. हरी हरी खास दिखाई देना पर तो दोनों एक जैसे ही हैं. सो वेन दे सी ग्रीन ग्रास, बोथ आर सेम. घास को चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और चोट चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरे से लटकते हुए. सो व्हाट हैपेंड इज, सो सीइंग द ग्रास द हॉर्स ऑल्सो वॉक्ड अ लिटिल एंड लेफ्ट हिज ओनर हैंगिंग द कैमल मैन्स फीट. सो थ्री पीपल आर हैंगिंग नाउ. भीखू भाई इज कैचिंग, भीखू भाई वॉज होल्डिंग द कोकोनट, आफ्टर विच कैमल मैन इज होल्डिंग भीखू भाई इज लेग, आफ्टर विच हॉर्स मैन इज होल्डिंग कैमल मैन्स लेग. एक दो और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से. सो थ्री आर नाउ हैंगिंग, वन टू एंड नाउ ऑल थ्री ऑफ देम किप्ट स्विंगिंग ऑन द कोकोनट ट्री. काका काका कसके पकड़े रहना दो, रहना हाँ. घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाले ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा. सो द हॉर्समैन सेड स्वेटिंग प्रोफ्यूसली, सो काका काका होल्ड टाइटली, डू नॉट टेक योर हैंड्स, यू कीप ऑन होल्डिंग, डोंट लीव, सो आई विल गिव यू 100 रुपीज. काका काका अब ऊंट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपया दूंगा लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं. सो द कैमल मैन सेज, आई गिव यू 200 रुपीज, डोंट टेक द हैंड फ्रॉम कोकोनट. सौ और 200, सो इज सेइंग 100 रुपीज, 200 रुपीज, बाप रे बाप 300 रुपये, 300 रुपीज. भीखू भाई का सिर चकरा गया, इतना सारा पैसा. सो भीखू भाई गॉट सरप्राइज्ड, भीखू भाई हेड टर्न राउंड, दिस मच मनी. खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया. सो ही हैप्पीली स्प्रेड बोथ हिज हैंड्स
और नारियल गया हाथ से छूट. सो एंड द कोकोनट हैज गॉन फ्रॉम हैंड. तड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे. सो विद अ मच साउंड ऑल थ्री फेल ऑन द ग्राउंड. गुड्सवार, ऊंट वाला और बीकुबाई, थ्री पीपल फेल डाउन. हु आर? हॉर्समैन, कैमलमैन एंड बीकुबाई. बीकुबाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा. सो बीकुबाई व्हेन ही वाज ट्राइंग टू हैंडल हिमसेल्फ, अ बिग कोकोनट फेल ऑन हिज हेड. बिल्कुल मुफ्त, एब्सोल्यूटली फ्री. सो दिस इज अ चैप्टर मुफ्त की मुफ्त. दिस चैप्टर इज रिटन बाय ममता पांड्या. सो अनुवाद दिस ट्रांसलेशन वॉज डन बाय संध्या राव. सो दिस चैप्टर हेंस हियर विल सी द टेक्स्ट बुक सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश इन द नेक्स्ट वीडियो. होप दिस वीडियो इज यूजफुल एंड यू गॉट टू लर्न मोर हिंदी वर्ड्स. Hope this video is useful and understanding. Thanks for watching.